भाजपा ने बिलासपुर में जो आभार रैली की थी कांग्रेस, उसकी टक्कर में मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में विकास से विजय की ओर नाम की रैली करने जा रही है। इसी की तैयारियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान पहुंचे और यहां पर रैली की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि मंडी में 7 अक्टूबर को राहुल गांधी की जो रैली होगी वे ऐतिहासिक होगी, इसे सरकार और संगठन दोनों मिलकर करेंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि रैली से कांग्रेस पार्टी अपना चुनावी शंखनाद भी करेगी। उन्होंने बताया कि रैली को विकास से विजय की ओर नाम दिया गया है और इसके माध्यम से मौजूदा सरकार के अब तक के विकास कार्यों का व्याख्यान भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, जबकि सरकार और संगठन के सभी पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि बिलासपुर में भाजपा की जो रैली हुई है ये उसकी टक्कर की रैली होगी, शानदार रैली होगी और समझिए उसे जो हमारे चुनाव है उसका आगाज हो जाएगा। सरकारी कार्यक्रम होगा सारा जो रैली का कार्यक्रम, नहीं इसमें मिला जुला कार्यक्रम होगा। क्या नाम दिया गया रैली का? विजय से विकास, विजय विकास से विजय, विकास से विजय। क्या मान के चले सर, कितना कर जन सैलाब इस रैली में? आप खुद देख आएंगे, जो हमारे आंकड़े होंगे ना वो सही आंकड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी की रैली को जवाबी रैली का जवाब दिया जाएगा, टक्कर की रैली होगी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सर्किट हाउस मंडी पहुंचे और वहां से सिविल अस्पताल जजहली तथा थुनाग स्कूल के नए भवनों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि इन भवनों के बनने से लोगों को लाभ मिलेगा। इस मौके पर उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा, आवकारी एवं कराधान मंत्री प्रकाश चौधरी सहित सरकार के अन्य प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और पार्टी के नेता मौजूद रहे। जो एक सिविल हॉस्पिटल जाली का किया और दूसरा स्कूल बिल्डिंग का, दोनों संस्थानों का जो है वो यहाँ पर उद्घाटन किया गया।